विराट कोहली और गौतम गंभीर में क्या चलता है भाई पता ही नहीं। लखनऊ में आईपीएल के मैच में विराट कोहली और गौतम गंभीर की जो टसल थी एक बार फिर दिखाई देने को मिली। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, 5 मिनट तक तीखी नोकझोंक होती रही। मामला इतना बढ़ गया कि LSG के कप्तान KL राहुल और सीनियर खिलाड़ी अमित मिश्रा को भी बीच बचाव करना पड़ा था। इसके बाद भी कोहली और गंभीर एक दूसरे से नाराज़ दिखे। इससे पहले 2013 में भी दोनों में तीखी बहस हुई थी। मैच के दौरान विराट ने जूता दिखाकर नवीन उलहक पर स्लेजिंग भी की। इस विवाद के बाद LSG के मेंटर गौतम गंभीर और RCB के पूर्व कप्तान विराट कोहली पर IPL कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते पाया गया और मैच फीस का 100% जुर्माना लगा दिया गया। LSG के गेंदबाज नवीन उलहक पर भी मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया। कोहली और नवीन ने अपनी गलती मानी। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से हरा दिया था। विराट ने मैच के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया था, इसे सफाई के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने लिखा, जो भी कुछ हम सुनते हैं वे विचार होते हैं, तथ्य नहीं। हम जो कुछ भी देखते हैं वह एक दृष्टिकोण है, सत्य नहीं। नवीन ने लिखा, आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। इंस्टाग्राम पर नवीन उलहक ने भी स्टोरी लगाई। उन्होंने लिखा, आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं, ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होता है। इसे भी उस नोकझोंक से जुड़ा माना जा रहा है। हुआ क्या था एक्चुअली, लखनऊ की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। मैच का 4th ओवर था। कुणाल पांड्या और आयुष बदोनी बल्लेबाजी कर रहे थे। ग्लेन मैक्सवेल की 3rd गेंद पर पांड्या ने लॉन्ग पर शॉट मारा। इधर विराट ने कैच लपक लिया। इसका जश्न मनाते हुए विराट ने स्टैंड्स की तरफ देखकर अपना सीना ठोक दिया। इसके बाद मुंह पर उंगली रख करके दर्शकों की तरफ इशारा किया। डग आउट में बैठे गौतम ये सब देख रहे थे। 16वें ओवर के बाद विराट स्टंप के पीछे से दौड़ते हुए आए और नवीन को देख कर कुछ इशारा किया। इस पर नवीन उलहक भी उनके करीब आ गए और दोनों में बहस शुरू हो गई। इस बीच विराट ने अपने जूते की तरफ भी इशारा किया और उसमें से मिट्टी निकाली। बाकी खिलाड़ियों ने बीच बचाव की कोशिश की तो कोहली और अमित मिश्रा के बीच भी बहस हो गई। RCB के दिनेश कार्तिक और अंपायर ने आकर दोनों को अलग किया। हालांकि मैच खत्म होने के बाद लखनऊ और बेंगलुरु के खिलाड़ी जब हाथ मिला रहे थे, इसी दौरान नवीन उलहक और विराट के बीच में बहस शुरू हो गई। RCB के खिलाड़ी विराट को लेकर चले गए। विराट फिर लखनऊ के ऑलराउंडर काइल मेयर्स के साथ बातचीत करने लगे। तभी गंभीर आकर मेयर्स को अपने साथ लेकर जाने लगे। इसी दौरान गंभीर भी कुछ कुछ कहने लगे। कोहली ने जवाब दिया, बहस बढ़ गई और दोनों खिलाड़ी भिड़ गए। अंपायर और सीनियर खिलाड़ी अमित मिश्रा और लखनऊ कोचिंग स्टाफ के सदस्य विजय दहिया ने बीच बचाव किया। 10 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन के 15वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उसके घर में हराया था। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर RCB ने 212 रन बनाए थे। मैच की आखिरी गेंद पर लखनऊ ने लक्ष्य हासिल कर लिया था। इस जीत के बाद लखनऊ के मेंटर गौतम गंभीर ने RCB के फैंस की तरफ मुंह पर उंगली रखकर चुप करने का इशारा किया था। 10 साल पहले यानी 2013 में हुए IPL के 6th सीजन के मैच के बाद भी दोनों खिलाड़ियों के बीच ग्राउंड पर नोकझोंक हुई थी। तब विराट कोहली RCB में ही थे जबकि गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे। साल 2009 में गौतम गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच विराट को दे दिया था। दरअसल श्रीलंका के खिलाफ मैच था, गौतम ने नाबाद 150 रनों की पारी खेली थी और उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया था। इस मैच में विराट ने अपने ODI कैरियर का पहला शतक बनाया था, 107 रन बनाए थे। गंभीर ने अवार्ड सेरेमनी के दौरान आगे जाकर विराट को यह अवार्ड सौंप दिया था। इस मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया था। ये कहानी शायद आपको नहीं मालूम होगी। तो ये ऐसा समय था कि जब गौतम ने अपना मैन ऑफ द मैच विराट को दे दिया था। तो उम्मीद करता हूँ दोनों खिलाड़ियों के बीच में थोड़ा मतभेद कम हो, दोनों अच्छे खिलाड़ी रहें और अच्छी तरह से रहें, हमको ही मज़ा आए। थैंक यू सो मच।